और आपका बहुत ही बेहतरीन स्किन को ग्लोई शाइनी लुक देने के लिए बेहतरीन चीजें इस्तेमाल करके देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। इस उम्मीद के साथ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्कीस और आज की वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं हम वो हुरम वाली वीडियो से। हुरम मेरी हेल्पिंग हैंड घर पर होती हैं। आपने उसके चेहरे का हशर तो देख ही लिया है, उस पर एक वीडियो बनाई है, वो इस्तेमाल कर रही है और जो उसको मैं पिला रही हूँ और उससे भी उसके बहुत अच्छे अमेजिंग रिज़ल्ट आ रहे हैं। उसका सेकंड फेज़ जो है इंशाल्लाह फ्रूट फेशियल करके आपको मैं बताऊंगी और उससे आपको जल्द मिलवाऊंगी ताकि आपको पता चले कि उसके जो छाइयाँ झाइयाँ और उसका कलर कॉम्प्लेक्शन जो है उसमें कितना फ़र्क पड़ा है। मुझे वाज़े फ़र्क नज़र आ रहा है और जो उसको मैं पीने के लिए दे रही हूँ बहुत ही अमेजिंग है। सबको पता है कि दूध स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, पुदीना भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन क्या आपको पता है इन दोनों को मिलाने से अमेजिंग रिज़ल्ट आते। तो आज हम सीखेंगे कि अपने कलर कॉम्प्लेक्शन को मलाजमा को घर में कैसे ट्रीट करें। तो मिल्क पीना तो बहुत अच्छी बात है मगर कौन सा, चलिए सीखते हैं जी। हमने लेना है आधा लीटर दूध और उसको हमने उबालने के लिए रख देना है, ठीक है। ये आधा लीटर दूध है तकरीबन, ये एक लीटर था मैंने आधा लीटर हटा दिया है। इसमें मैं डालूंगी पुदीना एक गड्डी पुदीना हमने साफ करके यहाँ रख दिया है। अब इसको करती हूँ मैं चॉप, इसको अच्छी तरह धोएं चॉप करें बहुत ही अच्छी तरीके से जब तक दूध गर्म हो जाता है। और आपका बहुत ही बेहतरीन स्किन को ग्लोई शाइनी लुक देने के लिए बेहतरीन चीज़ें इस्तेमाल करके देखिएगा। पुदीना का आपको पता है आपकी स्किन आपकी एक्नी के लिए बहुत अच्छा है, पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छा है, आपके पेट के अमराज में पुदीना बहुत ज़्यादा बेहतरीन है और उसके साथ पुदीना आपके कॉम्प्लेक्शन के लिए बहुत अच्छा है। और ये रेमेडी आप करके देखिएगा, इसके आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। मैंने देखे जैसे इसको चॉप कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये है दूध जो हम गर्म कर रहे हैं, आपने इसके साथ इसको पका लेना है, अच्छी तरीके से उबाल लेना है। ये आप देखिए मिल्क में जो है ना इसका इन्फ्यूजन हो गया, इतना ज़बरदस्त सा ये बन गया है। बस इसके एक से दो जोश आ जाए जो आपका मिल्क तैयार है। अब कुछ लोग कहेंगे डब्बे वाले दूध में बन सकता है, बिल्कुल आप बना सकते हैं, फ्रेश मिल्क में भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप इसको दूध में डाल के उबालें जैसे मैं उबाल रही हूँ। मैंने क्या किया है, छलनी रखी है उसके ऊपर मलमल का कपड़ा रखा है, उसके बाद में ये जो मिल्क है ये इसमें डाल रही हूँ। और फिर क्या करेंगे हम, ये इसलिए किया है कि और जो इसमें पुदीना है उसका एक्सट्रैक्ट अच्छी तरीके से हम लोग निकाल सके, अच्छी तरीके से। वैसे पुदीना का एक्सट्रैक्ट इतना आ गया कि आप देख रहे हैं कि कलर ही दूध का, इसमें जो मिंट का फ्लेवर आ रहा है, तो बच्चे भी आराम से पी लेंगे, बड़े भी आराम से पी लेंगे, जिनको जो चाहते हैं कि उनके रंग में निखार आए, कलर उनका सही हो, सन टैन से बचें। तो फिर आप बच्चों को भी ये बनाकर दे सकते हैं, बहुत ही रिफ्रेशिंग, बहुत ज़बरदस्त रंग निखार रूप निखार मिल्क तैयार है। इस्तेमाल कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। बहुत ही अमेजिंग रेमेडी, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, घर में खुद बना सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है ग्लूटाथियोन का इस्तेमाल करते हैं, आप ये मिल्क बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़े भी ले सकते हैं, पेट के अमराज से लेके स्किन को ग्लोई लुक देने में, साथ में ओबेसिटी को भी कम करने में आपकी मदद करता है।
तो ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, साथ में अपना फीडबैक भी दीजिएगा। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, जाने से पहले हुर्रम का हम फ्रूट फेशियल भी करेंगे, आगे आपको सेकंड स्टेप दिखाएंगे, फिर थर्ड दिखाएंगे, सेकंड उसका आपको जो चीज़ की थी उसका रिज़ल्ट, उसके बाद ये वो पी रही हैं, साथ में फ्रूट फेशियल के लिए भी तैयार रहिएगा। इंशाल्लाह हुर्रम से आपको जल्दी मिलाऊंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, जिए और जीने दें अल्लाह निगेबान।